पारस के मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे हैं सर, वो लोग एकदम टाइमली लेक्चर सेंड कर देते हैं, वन डे बिफोर नेक्स्ट डे का लेक्चर आ जाते थे हम लोग के ऐप पे। और सर पूरा मतलब वो हम लोग को शेड्यूलिंग फॉलो करना पड़ता था, वो हम लोग को पारस से बताया जाते थे कि आपको ऐसे ऐसे लेक्चर सीन करने हैं, इतने टाइम पे करने हैं, सुबह के इतने बजे से इतने बजे तक होमवर्क सबमिट करना है। तो सर एक जो स्कूलिंग के टाइम पे जो हम लोग का होमवर्क का आदत था वो अभी तक सर बरकरार रहा है पारस में, इसलिए सर कंसिस्टेंसी है हम लोग में। टेक्निकल डिपार्टमेंट से बोलिए या फिर पारस के मैनेजमेंट, ये लोग सब प्रोवाइड करते हैं सर, बुक्स हो गए, बाकी सब जितना कुछ हो गए है ना, तो वो सब मैं सबसे ज्यादा हेल्प उन्हीं लोग ने किया है सर। टेक्निकल डिपार्टमेंट से टेक्निकल ग्लिच कभी अगर मेरे फोन पे आ गया गलती से, कि मेरे फोन पे टेक्निकल ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो तुरंत रिजोल्व हो जाते हैं वो, तो प्रॉब्लम नहीं रहता है सर। ये पता नहीं चलता है कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, बस फिजिकल फॉर्म पे टीचर रहते नहीं है, इतने डिफरेंस है। बाकी पारस मैनेजमेंट सर बहुत सही है। पहला पॉइंट ये है कि पारस मैनेजमेंट ये बेस्ट लगा कि ये डेली लेक्चर सेंड करते हैं और कोई रेगुलर सीन करना पड़ेगा, यहाँ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जैसे वो वाला स्कीम है नहीं है ना, आपको डेली लेक्चर सीन करने हैं, डेली आपको होमवर्क सबमिट करना है। बाकी इंस्टीट्यूट का क्या रहता है कि अगर वो लेक्चर सेंड कर देते हैं तो आपको बस प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, बाकी आप अपना देख लो, वो मतलब एक ना आगे तक छूट जाता है साथ। बट इनका ये नहीं है, इनका है कि आपको कॉल आते रहेंगे, मैसेज आते रहेंगे, आपके रिपोर्ट्स आते रहेंगे, जो एनुअल टेस्ट जो भी है, जैसे भी टेस्ट सीरीज रहता है उसके मंथली रिपोर्ट्स आते रहेंगे। तो सर एक रहता ही है कि दूसरे इंस्टीट्यूट से इसीलिए अलग है पास इंस्टीट्यूट, लेकिन बीच में वो कॉल बैक करते हैं सर, विद इन 15 मिनट्स के अंदर कॉल आया था हम लोग को कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। हेलो एवरीवन, आई एम एंकर विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुष, जो कि रांची झारखंड से हैं। आयुष आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। आयुष आप रांची से आते हैं और हमारे पैन इंडिया ये जो सीरीज है इंटरव्यू की वो चल रही है, शायद आपने भी कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे बच्चों के जूम पे और हमारे वन ऑन वन जो इंटरव्यूज होते हैं। सो आयुष मुझे अभी ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और आपकी क्या कहते हैं फैमिली में कौन कौन है। आई एम फ्रॉम रांची झारखंड सर, मेरे स्कूल है सर डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल कटरू रांची। सर मेरे फैमिली में अभी हम लोग 4 जन हैं, हम मैं दीदी और फादर और मदर है। ओके, तो आपने कॉमर्स का बैकग्राउंड चूज किया है आयुष, तो आपके फैमिली में ये कॉमर्स कल्चर है या आपको इसकी इंस्पिरेशन मोटिवेशन कहीं बाहर से मिली? कॉमर्स कल्चर तो मेरे घर में नहीं है इनफैक्ट, बट मेरी दीदी भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है, वो मतलब वो भी सिलेक्ट किया कॉमर्स से। बाकी मेरी मम्मी आर्ट्स की स्टूडेंट है और पापा मेडिकल के हैं। अच्छा, तो आपके आपके मतलब घर में हर तरीके का माहौल है फिर, मतलब आर्ट्स भी है और मेडिकल। तो मैं थोड़ा सा अंकल के बारे में जानना चाहूंगा, मेडिकल लाइन में है तो वो क्या करते हैं अभी? तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एमआर है वो, ठीक है। और आपकी सिस्टर जो है, आपकी जो सिस्टर है वो सीए बन चुकी हैं या अभी कर रही हैं? नो सर, वो सीए बैकग्राउंड ने चूज किए हैं, वो कॉमर्स लेके बीकॉम का स्टडी किया आगे, अभी एमकॉम कर रही है। ओके, अभी एमकॉम कर रही हैं। तो आयुष आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर मेरे दोस्त ने टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया था कि यू मस्ट ट्राई दिस इंस्टीट्यूट है ना, इनका बहुत अच्छा फीडबैक है यहाँ पे, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया में फीडबैक इन्हीं का आ रहा था, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया पारस। ओके, तो वो जो आपके फ्रेंड है वो रांची से ही है? सर ही इज फ्रॉम गया बिहार। ओके ओके, वो बिहार से है। तो आपकी आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैं जानना चाहूंगा आपकी मुलाकात कैसे हुई? सर ही इज माय बैचमेट। ओके, ही वाज माय बैचमेट, वी वर टुगेदर स्कूलिंग इन द सेम स्कूल। ओके ओके ओके, सो आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला अपने दोस्त से जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं जानना चाहूंगा ये आपके स्कूल वाले फ्रेंड्स का है, मतलब ये जो हमारे प्लस टू वाले जो बॉयज हैं तो उनका ये ग्रुप होता है या कोई अलग से कोई ग्रुप है ये? सर एक ग्रुप था हम लोग का स्टार्टिंग से रांची में, मतलब जिन लोग आगे पास आउट करने के बाद क्या करेंगे है ना, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, तो उन लोग का एक ग्रुप था हम लोग का, तो उसके में आया था ये लिंक शेयर करने को जिसको सीए में परस्यू करना है। ठीक है, तो आपने जो अगर हम बात करें कि जब आपका जो सीए का डिसीजन है वो कैसे ड्राइव हुआ, कैसे आपको इसके लिए मोटिवेशन मिली कि मुझे सीए करना है?
स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 सर मेरे को कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना ही था, और कॉमर्स बैकग्राउंड में मैंने किसको देखा सबसे अच्छा, जो सी ए सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड जो डिग्री है, रेपुटेटेड मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स है वो सी ए मेरे को लगा था, उससे सी ए, और प्लस मेरे बहुत सारे भी सी ए है। ओके, तो आपने आपने देखा है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा होता है सीएस का, कैसा उनका लाइफस्टाइल होता है, तो आप उस बारे में अच्छे से वाकिफ हैं? सर मौसा जी को थोड़े बहुत देखे तो हाँ वो वाकिफ है उस चीज से, उनका लिविंग से, उनका मेंटेनेंस हैबिट्स से, कैसे वो डेली लाइफ में। ओके, सो आयुष, अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और आपने अपने जो फाउंडेशन की तैयारी पारस इंस्टीट्यूट से करी, तो किस तरीके से आपकी शेड्यूलिंग रहती थी आयुष, उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आपको शेड्यूलिंग मिलती है क्लासेस की, रेगुलर रहता है या शेड्यूल्ड क्लासेस रहती है या फिर आपको एक साथ सारा सिलेबस मिल जाता है? सर पारस के मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे है सर, वो लोग एकदम टाइमली लेक्चर सेंड कर देते, वन डे बिफोर नेक्स्ट डे का लेक्चर आ जाते थे हम लोग के ऐप पे, और सर पूरा मतलब वो हम लोग को शेड्यूलिंग फॉलो करना पड़ता था, वो हम लोग को पारस से बताया जाते थे कि आपको ऐसे ऐसे लेक्चर सीन करने हैं, इतने टाइम पे करने हैं, सुबह के इतने बजे से इतने बजे तक होमवर्क सबमिट करना है, तो सर एक जो स्कूलिंग के टाइम पे जो हम लोग का होमवर्क का आदत था वो अभी तक सर बरकरार रहा है पारस में, इसलिए सर कंसिस्टेंसी है हम लोग में। Okay, तो मतलब जिस तरीके से स्कूल में आपकी शेड्यूलिंग रहती थी तो वो अब आपके लिए इजी हो गया, और वो पारस की शेड्यूलिंग के साथ मैच करना आपको आसान हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, रोज का रोज पढ़ा और होमवर्क सबमिट कर दिया। Yes. Okay. ओके, आपने मैनेजमेंट का जिक्र करा अभी कि पारस की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ तो ये सवाल मेरा अक्सर रहता है बच्चों से कि मैनेजमेंट का आपको कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि टीचर जो हैं वो तो आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद क्लासेस ओवर होने के बाद भी फिर भी हमें कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो ऐसे में मैनेजमेंट ने आपको किन किन एस्पेक्ट्स में जो है हेल्प की? सर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से बोलिए या फिर पारस के मैनेजमेंट जो लोग सब प्रोवाइड करते हैं, सर बुक्स हो गए, बाकी सब जितना कुछ हो गए है ना, तो वो सब में सबसे ज्यादा हेल्प उन्हीं लोग ने किया है सर, टेक्निकल डिपार्टमेंट से। टेक्निकल ग्लिच कभी अगर मेरे फोन पे आ गया गलती से कि मेरे फोन को टेक्निकल ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं वो, सर प्रॉब्लम नहीं रहता है सर, ये पता नहीं चलता है कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, बस फिजिकल फॉर्म पे टीचर रहते नहीं है, इतने डिफरेंस है। बाकी पारस मैनेजमेंट सर बहुत सही है, यहाँ पर तो बहुत सही है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी छुट्टी लेनी पड़ गई या ब्रेक हो गया, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम भी चल रहा था, पैंडेमिक था, तो बहुत सारी चीजें अप डाउन भी थी, तो उसके बाद मतलब पारस जो इंस्टीट्यूट ने आपको सपोर्ट किया और बाद में लेक्चर्स प्रोवाइड करो, ऐसा कुछ एपिसोड आपके साथ हुआ? सर मेरे साथ तो बहुत बार हुए सर इस चीज को लेके, क्योंकि एक्चुअली सर मैं भी एक एनिमल फीडर हूँ, तो डॉग्स स्ट्रे एनिमल्स को खाना खाना पानी देता हूँ है ना, तो बहुत बार हो जाता है कि लेक्चर मिस हो जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो सर लोग कोऑपरेट बहुत किया है मेरे को इस चीज को लेके कि वो लेक्चर टाइमली सेंड कर देते थे, फिर बोलते भी थे कि आप जल्दी सीन किया करो, तो ये लेक्चर्स बैकअप एक ही दिन का रहता है, जिससे हम लोग का एक ये मेंटेन रहता है कि एक ही दिन के अंदर कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है बैठ के। ओके, आयुष अभी आपने बताया कि आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें आप फीड करते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए कि मतलब यू आर डूइंग अ वेरी यू नो गुड सोशल वर्क, सो उस आपकी इस पर्टिकुलर जर्नी के बारे में, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो बताइए कि कैसे आप कब से ये कर रहे हैं और क्या प्रोसेस रहता है? सर क्लास 5-6 में मैं ये कर रहा हूँ सर, मतलब स्ट्रे एनिमल्स को खिलाना, मतलब स्ट्रीट डॉग्स लोग खिलाना, तब 5-6-7 थे, लेकिन अचानक से पैंडेमिक आया, 2020 जो पैंडेमिक आया फर्स्ट वेव वाला, उसमें सर बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हंगरी थे, मैंने आसपास लोकल एनजीओ लोग को बोला था, कॉपरेट करने बोले कि आप लोग भी हेल्प करो मेरे को है ना, मेरे को इंटरेस्ट है इस चीज़, उनको फीड करने बहुत इंटरेस्ट है, तो उन लोग ने थोड़ा बहुत कॉपरेट किया मेरे को, थोड़ा बहुत घर से मम्मी ने किया, मम्मी खुद भी सर अपने कॉलेज टाइम पे स्ट्रे एनिमल्स पर खाना खिलाती थी, तो फिर वही वही सर एक ये बनते गया कि हाँ, फिर हम लोग वही 50-60 डॉग्स पे आ गए लॉकडाउन टाइम, डेली उनको फिट कराना 50-60 डॉग्स के आसपास, और सर अभी थोड़ा कम हुआ है, अभी कम होकर आपका रेगुलर मेरा 20-30 डॉग्स रहता है, तो सर वो भी मैनेज करते हैं साथ में रेगुलर। क्या बात है यार आयुष, ये तो दिल खुश हो गया यार तुम्हारी बात सुन के, और आप ये बाकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं,
और हमारी तरफ से पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से बिग थम्स अप है, इसको प्लीज कंटिन्यू रखना। और डेफिनेटली ये पर्टिकुलर क्लिप जो है मैं बहुत सारे हमारे जो सीए स्टूडेंट्स हैं, जो सीए बन गए हैं, उनके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, आप जिंदगी में कभी भी बड़े बन जाएं, आप तमाम वो सक्सेस हासिल कर लें, आप सीए बन जाएं, अच्छा कमाने लग जाएं, बट ये भाव होना बहुत जरूरी होना चाहिए किसी दूसरे की हेल्प करने का। और आप जो डॉग्स के लिए कर रहे हैं वो वाकई बाकमाल है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। Okay, now coming back to your studies and about your journey with Paras. तो Paras की जो test series है उसके बारे में आयुष बताइए कि कैसा आपका experience रहा test series को लेकर। The test series का यही था कि sir एकदम punctuality के साथ था test series। हम लोग एक एक chapter complete होते हैं पहले, तो जैसे chapter complete हो गया वैसे regular एक test होने वाला है। वो test अलग रहता है, वो test सबसे अलग रहता है। वो आपका जैसे chapter complete हो गया फिर एक test, फिर नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर एक टेस्ट। और सर एक होता है यूटी, यूटी मतलब होता है अब थोड़ा एग्जाम नियर में है, एक टेस्ट और करवाते हैं उसमें फिर से हम लोग का टेस्ट होता है। और सर एक होता है हम लोग का फाइनल टेस्ट, जिसमें तो पूरा जिसको बोलते हैं जो पढ़े हो वो पूरा समअप करना है उसके अंदर। तो सर टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छे है पारस के, वो तो मेन कोर है सर। तो ये सारे टेस्ट देने के बाद जब आप एग्जाम में बैठे और आपने जब पेपर देखा तो पहली चीज आपके जहन में क्या आई थी, कि आपको क्या लगा पेपर देखने के बाद? स्टार्टिंग से थोड़ा मैं नर्वस तो था क्योंकि मेरा वो पर्सनैलिटी इनबिल्ट ही था नर्वस होने का, बट यही कि पारस से किया मैंने, टेस्ट सीरीज भी दिया, फिर एक भरोसा लगा था हाँ देखते हैं पेपर कैसे है। तो मैथ्स का पेपर की बात करें तो मैथ्स में तो शायद एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो रितु मैम ने नहीं कराया होगा, एक एक क्वेश्चन मैम ने करवाया था एक एक क्वेश्चन। हाँ वो अलग बात है कि मेरा स्पीड कम था, मेरे में कुछ प्रॉब्लम थे इसलिए मुझे थोड़ा कम नंबर आया मैथ्स में, बट सर क्वेश्चन सब देखा हुआ था, सब देखा हुआ था, सब किया हुआ था। वैसे एक कॉन्फिडेंस ये रहा कि भाई चलो पेपर मैंने मतलब वो सब क्वेश्चंस हैं वो मैंने देखे हुए हैं। आयुष मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, अभी आपने ये कहा कि भाई थोड़ा सा एक इनबिल्ट है, नर्वसनेस रहती है, पारस इंस्टीट्यूट जो है अपनी मोटिवेशनल क्लासेस में टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इन सब चीजों को लेकर के बहुत काम करता है, तो कितना बेनिफिट मिला ड्यूरिंग दैट स्टडीज उनके उस मोटिवेशनल सीरीज से? तो वो तो बहुत ही मेरे को हेल्प किए हैं, इवन मैंने टीचर्स से भी कांटेक्ट किए थे रिगार्डिंग चीज पर कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मैंने मैनेजमेंट से बात की, टाइम मैनेजमेंट कैसे करिए, मतलब बाकी मोटिवेशनल जो रहते हैं तो सर वो तो लेक्चर्स मिलते रहते थे हम लोग को मोटिवेशन के, तो वो सबसे अच्छे थे, वो भी मतलब बेस्ट थे मोटिवेशन, क्योंकि सर लोग ने बोला कि मार्क्स जैसे आने जो नॉलेज गेन करना है। तो सर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मार्क्स चाहे जितना भी आए लेकिन सर किसी दूसरे स्टूडेंट को मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है सर। 12th क्लास हो गया, फिर CA फाउंडेशन में जो कर रहे हैं उनको भी मैं पढ़ा सकता हूँ। ओके देन आयुष, अब मैं ये पूछना चाहूंगा यार, बहुत सारे बच्चे जो है ना कई बार ना फास्ट फॉरवर्ड करके जो है अपने लेक्चर्स देख लेते हैं, क्या आपने भी कुछ ऐसा किया? तो फास्ट फॉरवर्ड में सर जैसे मैंने बताया कि कभी कभी एकदम बहुत रेयर सिचुएशन में जब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था अपनी साइड से, तो उस टाइम पर सर मैंने 1.2x पे देखा है, लेकिन कभी सर मैंने 1.5x से 2x पे नहीं देखा है वीडियो। हाँ 1.2 मेरा मैक्सिमम गया है उतना तक ही, लेकिन सर नहीं देखना चाहिए, नहीं समझ में आता बात में, नहीं समझ आता बात में। ओके और आयुष, बहुत सारे लोग यार ये कहते हैं कि सीए ना बहुत टफ कोर्स है, ये नहीं पास होता, तो मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के पास ना स्ट्रेटजीज नहीं होती, उनके पास एक ऐसे परफेक्ट गुरु नहीं होते और एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता जो उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, तो क्या एक्चुअली आपको लगता है कि भाई जो है सीए बड़ा टफ कोर्स है या फाउंडेशन की तैयारी बहुत मुश्किल है, नहीं निकाली जा सकती? नो सर, पारस के हेल्प से तो ये लगा नहीं आप तक मेरे को, बट क्योंकि मैंने रांची पर बहुत सारा फीडबैक सुना है, रांची में जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर जो भी है वो उतने रिजल्ट ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। और सर पारस का रहा है कि उनका मैनेजमेंट में बेस्ट है, तो जो हार्ड कोर्स भी जो बोलते हैं कि हार्ड है उसको भी सर ये लोग बहुत लीनियंटली पार कर देते हैं पारस से। तो मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स पहले अटेंड कर दिया, तो मेरे को पता है कि हाँ कैसे वर्क किया है पूरा इसमें पारस का। पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आपने कुछ डेमो क्लासेस, आपने कुछ जैसे तो आपके फ्रेंड ने कहा कि बहुत अच्छे रिव्यूज हैं आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में ना एक कशमंजश रहती है, हमारे मन में ये रहता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाला हूँ या मैं अपनी फीस दूंगा, उससे पहले मैं टीचर्स से या मैनेजमेंट से इनसे बात कर लूँ या इनका कुछ कंटेंट मैं ऑनलाइन देख लूँ, तो आपने कुछ विजिट किया? डेमो क्लासेस हम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया था,
लेक्चर्स में डेमो क्लासेस ऐप में डेमो क्लासेस, तो उसी से मैंने देखा। और स्टार्टिंग के क्लासेस सुरेंद्र सर के थे, अकाउंट्स के सर, तो उनका मुझे बहुत मतलब उसी टाइम पर लग रहा था कि हाँ ये मतलब जिस एरिया में है, हरियाणा में है, हिसार में है, उस एरिया के तो वो पक्का है कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट उन्हीं का लग रहा है, देख के लग रहा था सर, वो इन्वायरमेंट ही वैसा बना हुआ था। तो समझ में आ गया कि हाँ इन पे भरोसा कर सकते हैं, जिससे एक दो डेमो में समझ में आ गया था अलग ही रहने वाले। जब हम की पॉइंट्स की बात करें, कई बार जब आपको एक इंस्टीट्यूट का चुनाव करना होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है कि उनके लेक्चर्स कैसे हैं, या फिर जो आपकी तरफ से पॉइंट्स हैं वो मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें कि उन बच्चों के लिए जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करना चाहते हैं अपने सीए की पढ़ाई करने के लिए और सीए बनने के लिए, तो उन्हें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सर, पहला पॉइंट ये है कि पारस मेरा तो ये बेस्ट लगा कि ये डेली लेक्चर्स अटेंड करते हैं और को रेगुलर सीन करना पड़ेगा, या प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जैसे वो वाला स्कीम है नहीं, है ना, आपको डेली लेक्चर्स सीन करने हैं, डेली आपको होमवर्क सबमिट करना है। बाकी इंस्टीट्यूट का क्या रहता है कि अगर वो लेक्चर्स अटेंड कर देते हैं तो आपको बस प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, बाकी आप अपना देख लो, वो मतलब एक ना आगे तक छूट जाता है साथ। बट इनका ये नहीं है, इनका है कि आपको कॉल आते रहेंगे, मैसेज आते रहेंगे, आपके रिपोर्ट्स आते रहेंगे, जो एनुअल टेस्ट जो भी है, जैसे भी टेस्ट सीरीज रहता है उसके मंथली रिपोर्ट्स आते रहेंगे। तो सर एक रहता ही है कि दूसरे इंस्टीट्यूट से इसीलिए अलग है पास इंस्टीट्यूट, और बाकी स्टूडेंट जिन लोग को प्रेफर करना है तो वो देख सकते हैं, हमें को तो यही लगा पास इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट ही सर सब कुछ है पास इंस्टीट्यूट में। जैसे कि रिजल्ट्स के बारे में पारस इंस्टीट्यूट की बहुत ज्यादा चर्चाएं की जाती हैं, एज कम्पेयर टू आईसीएआई पारस का जो होता है रिजल्ट 80% रिजल्ट आता है, तो आपने रिजल्ट्स पे चेक करे, क्या फैकल्टीज ने आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाए पिछले साल की, आपने कोई सीनियर से बात करी? यस सर, एक प्रोस्पेक्टस टाइप का हम लोग को सेंड किया गया था ग्रुप पे, जिसमें सब रिजल्ट कितने थे, तो मैंने सर रिजल्ट देख के मतलब लग रहा था कि ये तो लग रहा है कोई क्लास 11th 12th के बच्चे लोग हैं जिन लोगों का रिजल्ट निकलता है, मतलब बहुत कॉमन लग रहा था दिखने में, तो मेरे को तभी लगा कि हाँ। और बाकी अगर आप यहाँ पे बात करिएगा, यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उनका जो होर्डिंग पैनल लगता है उसमें 4-5 ही चेहरे रहते हैं, और पारस में तो देख के मेरे को हैरानी लग रहा था कि इतने बच्चे पास करते हैं हर साल, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटरमीडिएट हो। तो अब आपने अपने इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए? सर पहले तो सर टाइम मैनेजमेंट, मैंने जो पारस से बोला उसी को फॉलो, फाउंडेशन में ऐसा हुआ था कि मेरे से कुछ छूट रहती थी कि मैंने टाइम मैनेजमेंट ठीक से किया नहीं, या फिर कुछ में लूपहोल्स आ रहे थे, तो पहले वो लूपहोल्स को मैंने पकड़ाया है, और सर इंटरमीडिएट में यही करना है कि वो उसको रिपीट नहीं करना है बिल्कुल भी, और सर जो पारस बोलते रहेगा वैसे करते जा रहे हैं। जैसे सुरेंद्र सर बोलते कि यहाँ पे आ गया तो पूरा समर्पित कर दो अपने आप को, पूरा समर्पित कर दो, भूल जाओ कि क्या आगे पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, यहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, मतलब बेसिक स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग से मैं उतना कुछ खास अच्छा स्टूडेंट रहा नहीं अपने 11th 12th क्लासेस में भी, तो सर एक स्टार्टिंग जर्नी से स्टार्ट करना कि हाँ अब कॉमर्स कैसे चलता है, और सर सबसे अच्छा सर लोग को लगता है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करवा देते हैं फाउंडेशन में बच्चे लोग को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है एक्चुअली में कैसा है। तो सर ये मेरे इंटरमीडिएट का ये प्लान है कि जो सर लोग बोलते नहीं उसे एग्जैक्टली फॉलो करना है, और सर डाउट्स लेते रहना है, मेरे डब्ल्यू फाउंडेशन में डाउट्स बहुत कम लिया। डाउट्स अब आप लेते रहेंगे, ओके। और जब डाउट्स की बात आती है, कई बार क्या होता है ना कि आप जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो डाउट्स में लेट्स से आज आपका एक लेक्चर है, आपने डाउट लिया, और वो कई बार डाउट आने में कभी आपको ऐसा लगा कि देरी होगी, उसका जो जवाब आने में देरी होगी, कितनी कितनी टाइम ड्यूरेशन में आपको जवाब मिल जाता है अपने सवाल का? तो जैसे हम लोग के ग्रुप रहते हैं टेलीग्राम पे, जिसमें भी आपका ग्रुप है उसमें पहले मैसेज आते हैं ये टीचर इतने टाइम पे फ्री है, सेम डे पे, ऐसा नहीं कि डिले करते हैं टीचर कोई भी, सेम डे पे, बस टाइमिंग फिक्स करता है कि इतने के बीच में आपको मिस कॉल देना है, इतने के बीच में वो कॉल बैक करते हैं, तो विद इन 15 मिनट्स के अंदर कॉल आता है हम लोग को कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। ओके, तो आयुष जब आपका रिजल्ट आया तो घर पे कैसा माहौल था जब उन्हें पता लगा कि फाउंडेशन क्लियर हो गया, तो मम्मी पापा और सिस्टर की कैसी प्रतिक्रिया थी? उनको अच्छा तो लगा सर, बट कहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था फाउंडेशन देख के, मुझे लगा कि थोड़ा सा और मुझे मेहनत करना चाहिए था फाउंडेशन में, तो वो लोग खुश थे,
बट सर जैसे आउटसाइड एनवायरनमेंट में गए पूछे कि तुम लोग को क्या रिजल्ट हुआ, अच्छे अच्छे बच्चे से पूछे जो लोग मतलब टॉपर टाइप के थे सीए कर रहे थे, वो लोग बोले नहीं मेरे हम लोग के बैक चल गए, तुम कहाँ से इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, फिर वो लोग वहीं से बातचीत स्टार्ट हुआ था सर। तो मैंने बोला कि हाँ मैंने पास इंस्टीट्यूट से किया है, उनको प्रेफर किया है, कोई ज्वाइन भी किया है उसमें सर। ओके तो आपके कितने कितने दोस्त हैं जिन्होंने अब पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, जो रांची से हैं या आपके स्कूल मेट्स बैचमेट्स रहे हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं जो भी पारस में हैं? सर शायद एक ही दो किए हैं, क्योंकि सीए बहुत कमी को परस्यू कर रहे थे कॉमर्स के बाद, बहुत कमी को एक क्लास से परस्यू कर रहे थे, जितने किए हैं अब उसमें से कोई किसी को आगे करना है किसी को नहीं भी करना है तो छोड़ भी दिया जिसमें, जो छोड़ दिया उसका तो जिसको करना है वो एक दो है वो ज्वाइन किए पारस। So, आयुष सीए बनने के बाद सबसे पहला ख्वाब जो है आप क्या पूरा करने वाले हैं? पहला तो सर अपना एक ये ड्रीम रहता है ये सबको कि मतलब मम्मी को अच्छे से मतलब सेटल कर देना है, पापा का मैनेज कर देना है सब कुछ, वो तो सर बेसिक्स है एकदम, वो तो करना ही है। और सर दूसरा जैसे मैंने बताया स्ट्रीट डॉग्स है तो उनके लिए भी कुछ कुछ मैंने सोचा है, अगर सर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए भी। डेफिनेटली आयुष आप एक बहुत ही पॉजिटिव कॉज के लिए काम कर रहे हो और वो पैशन आपकी आंखों में नजर भी आता है, और डेफिनेटली जब हम इतनी हाई मोटिवेशन के साथ और किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं तो वो ख्वाब यकीनन पूरा होता है। तो डेफिनेटली आपके ये ख्वाब जरूर पूरे होंगे एंड वी रियली विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और सीए बनने के बाद डेफिनेटली जब आप हिसार विजिट करेंगे तो हम आपको सीए बनने के बाद में इंटरव्यू करेंगे और आपकी इस मुहिम को और आगे लेकर के जाएंगे जो आपसे डॉग्स के लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आयुष फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।